मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का साइंस का मोशन मेजरमेंट का रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो हमने ये लेसन पहले पढ़ा, लेकिन अब मैं आपको फिर से इसको रिवाइज कराना चाहती हूँ। विद अ चेंजिंग टाइम ट्रांसपोर्ट ऑल्सो हैज़ गॉन थ्रू वेरियस मॉडिफिकेशन। कहते हैं जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब ट्रांसपोर्ट हमें होती है वो चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह हम थ्रू ट्रांसपोर्ट में आती हैं गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट में आता है कार, ट्रांसपोर्ट में आते हैं ट्रक्स। ठीक है ना, जब हम एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट मीन्स हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। विद चेंजिंग टाइम्स ट्रांसपोर्ट हैज़ आल्सो गोन, कहते हैं जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा तो ट्रांसपोर्ट में भी बहुत चेंज आती रही, मॉडिफिकेशन में नई नई उसमें नई नई तरक्की होती रही। दैट इज़ फ्रॉम एनिमल्स टू इन्वेंशन ऑफ व्हील्स। पहले लोग पहले ज़माने में एंशियंट टाइम्स में क्या करते थे लोग, जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, जब व्हील्स नहीं होते थे, जब तो लोग किस पे जाते थे, एनिमल्स पे जाते थे। ठीक है ना, जैसे घोड़ों पे जाते थे, ठीक है ना, बुलक कॉर्ट्स पे जाते थे, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों पे जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। है तो अब जैसे फिर आफ्टर फिर उसके बाद जो इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब चक्की की इन्वेंशन हुई, व्हील ईजाद हुआ, तो फिर उसमें फिर आस्ता आस्ता एवोल्यूशन आने लगी किस में, ट्रांसपोर्ट। द एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इमीडिएट व्हेन वी ऑब्जर्व द फास्ट कार्स। हाँ, हम ये हमें कहाँ से पता चलता है कि एवोल्यूशन आ गई, हम बहुत ज़्यादा आजकल तेज़ गाड़ियाँ कार्स देखते हैं, बुलेट्स देखते हैं, ट्रेन्स देखते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं। इवन टुडे न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बीइंग रिसर्च, अब नई नई रिसर्च हो रही है कि और ज़्यादा टेक्निक्स बढ़ रही हैं ट्रांसपोर्ट की। ठीक है ना, देखो दिस पिक्चर हैज़ बीन शोन हियर, आप बच्चे इस पिक्चर को भी देख सकते हो कि देखो कैसे किस किस किस्म की गाड़ियाँ आजकल चलती हैं। फर्स्ट शो द एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, कितनी एडवांसमेंट आ गई ट्रांसपोर्ट। फिर है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, फासला। हो फार एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल का शो द डिस्टेंस, कितने दूर एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, कितना हमने फासला तय किया, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। आर्बिट्री वेज टू मेजर द लेंथ और विड्थ, पहले क्या पहले ज़माने में क्या होता था, आर्बिट्री मतलब अंदाजन, अंदाजन लोग कोई भी लेंथ मेजर करते थे या विड्थ मेजर करते थे अंदाजे के साथ, कोई एक्यूरेसी नहीं होती थी उसमें, हमेशा इनकरेक्ट मतलब वो होता था, वो ऑब्जर्वेशन जो आती थी वो इनकरेक्ट होती थी क्योंकि वो अंदाजन होती थी। मेजरिंग यूजिंग हैंड स्पैन, कभी कभी क्या करते थे, हाथ यूज़ करते थे मेजर करने के लिए। ठीक है ना, कोई भी लेंथ या विड्थ मेजर करने के लिए पहले क्या यूज़ करते थे, हाथ, किसी का हाथ बड़ा है किसी का हाथ छोटा है, नेचुरली दिस इज इनकरेक्ट वे। एंड मेजरमेंट बाय स्ट्रिंग, कभी कभी धागे से भी मेजरमेंट करते थे। ठीक है ना, स्ट्रिंग वर यूज इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, बट दीज मेथड्स आर नॉट सो रिलायबल, क्योंकि इन पे हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते थे। हैंड सम, तो फिर क्या हुआ, जब इन पे हम विश्वास नहीं कर सकते तो उसके बाद क्या हुआ, हैंड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए, एक कंट्री के लिए नहीं, सारी कंट्रीज़ के लिए, सारी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, जो यहाँ भी होते हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी उसी वही चीज़ उसी को अपनाया जाता है, ये नहीं। ठीक है, तो व्हाट दे आर, देखो दे हैंड स्पैन का यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई हुई है, हैंड स्पैन पहले ऐसे हाथ से मेजर करते थे। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अर्लियर द क्यूबिट वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टैंडर्ड, पहले क्यूबिट को एक्सेप्ट किया था स्टैंडर्ड यूनिट इजिप्ट के अंदर। क्यूबिट मींस द लेंथ मीटर, पहले लोग कहते थे क्यूबिट इज एक्सेप्टेड नाउ एज स्टैंडर्ड यूनिट। व्हाट इज क्यूबिट, क्यूबिट का मतलब होता है लेंथ बिटवीन फिंगर टिप्स एंड एल्बो, यानी कि ये फिंगर है, ये हमारा फिंगर है। ठीक है ना, ये फिंगर की टिप से लेके हमारी एल्बो तक जितनी भी लेंथ है इससे लेंथ मेजर करते थे। ओइंग टू डिफरेंस इन लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड ईच पर्सन दीज आर्बिट्री सिस्टम बिकम ऑब्सोल्यूट, क्या मतलब है, कहते हैं कि हर एक बंदे की अपना लेंथ होता है बॉडी का, तो अपना बॉडी का लेंथ होता है, डिफरेंस होता है लेंथ इन बॉडी पार्ट, तो ये भी ये सिस्टम भी आर्बिट्री अंदाजन था और ये भी ऑब्सोल्यूट हो गया, ये मतलब यानी ये भी आउट ऑफ डेट हो गया। ठीक है ना, दिस इज़ ऑल्सो एन आउट ऑफ डेट। अदर यूनिट्स यूज अर्लियर वेयर, पहले लोग क्या यूज़ और क्या यूज़ करते थे, बाई फुट, दे यूज टू मेजर बाई फुट, अच्छा पैर से मेजर करते थे, पैर से फुट से वो मेजर करते थे, एंड ऑफ स्ट्रेच आर्म, ठीक है ना, ऐसे लंबी करके बाजू स्ट्रेच करके वहाँ से, या चिन से, कभी ऐसे मुट्ठी बंद करके फिस्ट से मेजर करते थे, एक दो तीन चार ऐसे करके, बट दिस दे वेयर ऑल
मतलब अनरिलायबल, ठीक है ना। तो ये अनरिलायबल ये चीज़ें थी, ठीक है ना, तो क्योंकि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी, तो इसलिए क्या उन्होंने बनाया, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नोवेडेज। आजकल क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या ISU, ठीक है ना, इंटरनेशनल, जिसको SI यूनिट बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट, या उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं या उसको SI यूनिट भी बोलते हैं, आज सारे हैज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। SI यूनिट को ही, SI यूनिट मीन्स वो वाला यूनिट जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। अगर कहीं पे हम ये चीज़, अगर लेंथ हम यहाँ पे इंडिया में मेजर करते हैं मीटर्स में, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड इस यही चीज़ चलती है, यानी लेंथ किसी और चीज़ में मेजर नहीं होती है, लेंथ मेजर होती है मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, ठीक है ना। तो ये दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स, जैसे एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी एक, या एक किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, यानी दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको ऐसा यूनिट माना गया, यानी कि यहाँ पे एक किलो में 1000 ग्राम्स हैं तो दूसरी कंट्री में एक किलो में 990 ग्राम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक किलो में 1000 है, यहाँ दिस हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हाँ एक किलो में कितने ग्राम्स हैं, 1000 ग्राम्स, या 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हैं, 60 सेकेंड्स, ओके। द MKS सिस्टम, दैट इज़ द मीटर किलोग्राम सिस्टम, सेकेंड सिस्टम इज़ कॉल्ड द SI सिस्टम। एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सिस्टम, उसको बोलते हैं SI सिस्टम, ठीक है ना। करेक्ट वे टू यूज़ अ मीटर स्केल, हम कैसे मीटर स्केल को एक करेक्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कीप द स्केल इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हमने एक स्केल लेना है, उसको उसके कंटैक्ट में, जो 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 ऑब्जेक्ट हमने मेजर करना है, जो चीज़ हमने मेजर करनी है, उस स्केल को उसकी कंटैक्ट में रखना है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या करना है, हमने स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम ज़ीरो, हमने हमेशा मेजर करना है ज़ीरो स्केल के ऊपर। आप देखो ना, आप सब अपना स्केल देखो, तो कहाँ से रीडिंग स्टार्ट होती है, हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट, ना कि 1 से होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है रीडिंग, ज़ीरो से। तो हमने अपनी मेजरमेंट ज़ीरो से स्टार्ट करना है, फ्रॉम ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल। स्टेप थर्ड, टू अवॉइड टेकिंग इनकरेक्ट मेजरमेंट, द आई पोजिशन शुड बी करेक्ट। अच्छा, ये हमारी जो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हमारी आई की पोजीशन भी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि उधर काम कर रहे हैं तो देख रहे हैं उधर, ऐसा नहीं, हमने बिल्कुल उस पर कंसंट्रेट करना है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, द आई पोजीशन द सेंटर इज़ करेक्ट। हाँ, हमने अपनी जो आई की पोजीशन है बिल्कुल बीच में रखनी है, अगर हम कोई चीज़ कोई लाइन मेजर कर रहे हैं, कोई भी चीज़, हमने जो अपनी आई की, हमने एक तो उसको उस चीज़ को करेक्ट तरीके से स्केल को ऑब्जेक्ट के ऊपर रख रहा है। फिर हमने क्या करना है, हम ज़ीरो से स्टार्ट करनी है उसकी मेजरमेंट, और हमने जो आई की पोजीशन है दैट शुड बी इन द सेंटर, सेंटर के ऊपर आनी चाहिए, टू इज करेक्ट टू गेट एन, उससे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगी। वेल वंस इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन विल गिव्स, अगर हम अपनी आई की पोजिशन राइट या लेफ्ट में रखेंगे ना, इधर उधर देखेंगे, तो वो हमें इनकरेक्ट मेजरमेंट देगी। तो आई की पोजिशन क्या होनी चाहिए, टुवर्ड्स द मतलब सेंटर पे होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल हाउ वी कैन मेजर, हाउ वी कैन करेक्ट वे, दिस इज़ ऑल हाउ टू यूज़ अ करेक्ट वे टू मेजर ए मीटर स्केल, ठीक है ना। तो एक मीटर स्केल को कैसे हम करेक्ट वे से मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने देखना। तो बच्चों, जो आज हमने तो इसका थोड़ा सा रिविजन पढ़ा हमने, ठीक है ना, इसका मोशन मेजरमेंट का, तो आप भी इसको पढ़ना, इससे आपको ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा। ओके, करो दिया।